तो गाइस फाइनली मैं स्टेशन आ चुका हूँ एंड टिकट भी मिल गई। देखो इतनी लंबी लाइन है, भीड़ की भीड़ है, टाइम भी होता जा रहा है। मैं अपने दोस्तों का भी वेट कर रहा हूँ, पता नहीं कितनी देर में आने वाले हैं। अभी तो मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में यार। तो एक बात तो है यार, अगर अदर सिटी से अगर कंपेयर करें, अपना आगरा स्टेशन ज़्यादा अच्छा है। सुबह सुबह क्लीन भी हो जाता है। देखो आप, मेरे को तो पर्सनली अपना ये आगरा स्टेशन बहुत अच्छा लगता है मेरे को। धीरे धीरे फैसिलिटी भी और अच्छी होती जा रही है। 546 भी हो गया है, पता नहीं अभी कहाँ पे हैं फ्रेंड्स मेरे, ये पक्का आज लेट ही कर पाएंगे मुझे लगता है। दोस्त लोग मेरे भक्के आ चुके हैं, एक एक दोस्त आगे भक्के आ रहा है, एक पीछे आ रहा है। जल्दी आ, जल्दी जल्दी जल्दी, 5 मिनट रह गए। लेट हो गए, लेट हो गए, लेट हो गए, लेट हो गए, लेट हो गए। हम भी ट्रेन की सक मांग रहे हैं। तो फाइनली हम अपनी ट्रेन पकड़ते हुए, ये रही अपनी ट्रेन। हाँ भाई, कैसा लगा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। दौड़ दौड़ के आए हैं। विशाल भाई कैसा लगा एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस हाँ, चलो इस वाली में चढ़ जाते हैं। हाँ आ जाओ, पूरी खाली है अभी तो, पूरी खाली है, धीरे धीरे पूरी भर जाएगी। गाइस फाइनली हम अपनी ट्रेन में बैठ चुके हैं। बहुत ही शिद्दतों के बाद एक मेहनत हो गई हम लोगों की। इतनी मेहनत तो हमने अपने स्टोर में आते भी नहीं करी कभी, जब हम लेट होते हैं जितनी मेहनत आज हो गई। क्यों? सही बात है। अरे मैं सुबह सुबह उठ गया था, मैं भी लेट हो गया। मैंने 4 बजे का अलार्म लगाया था, 4:30 उठा, फिर भाई को कॉल किया तो मैंने कहा पहले मैं पहुंचूंगी, मेरा घर था पास है। और अगर आज भाई फोन नहीं करते तो हम आ भी नहीं पाते। हाँ ये बात भी है, क्योंकि जब मैंने खुद अलार्म लगाया तो मैं 4:30 बजे उठा, ठीक है। और ऊपर से पहले अंदर से टिकट्स अलाउ नहीं थी, अब अलाउ हो गई। तो हम लोगों का प्लान सडन बना जाने का, ये अपने कुछ काम से जा रहे हैं, मैं अपने कुछ काम से जा रहा हूँ। सो सोचा कि मैं पहले लाइन में लग के टिकट ले लूँ, और लिटरली लाइन में लगना सही हुआ। पहले मैं सोचता कि गाड़ी पहले खड़ी करूँ, टिकट पहले लूँ, लेकिन मैंने पहले गाड़ी पहले खड़ी करी और टिकट बाद में ली। बहुत भीड़ थी यार, बहुत भीड़ थी। मुझे लग रहा था कि यार ये लेट हो जाएंगे, या तो मैं निकल जाऊंगा या फिर ये नहीं आ पाएंगे, मैं भी नहीं आ पाऊंगा। हमें लग रहा था कि हम नहीं आ पाए। हाँ भाई को भी नहीं लग रहा था, भाई अपने लिए पानी लेने गया है। तो ठीक है चलो दोस्तों, मैं अभी थोड़ी देर में आपसे मिलता हूँ जब ट्रेन यहाँ से अराइव हो जाएगी, सॉरी डिपार्ट हो जाएगी, यानी कि हम तो दिल्ली से आ गए वापस। ठीक है दोस्तों, चलो मैं अभी आपसे थोड़ी देर में मिलता हूँ। गाइस ये कौन सी ट्रेन है? जयपुर एक्सप्रेस फ्रॉम प्रयागराज टू जयपुर। इसमें भी बहुत ट्रेवल करा है गाइस, अपनी नानी के घर पे कानपुर में। सो गाइस मथुरा आ चुका है, और मथुरा हम लोग पहुंचते हुए, भीड़ बहुत दिख रही है। अब यहाँ से भीड़ ही चढ़ेगी और कुछ नहीं होगा। मथुरा से निकल चुकी है ट्रेन, धूप भी आ चुकी है, मौसम भी अच्छा हो रहा है। सो ट्रेन अपने सफर में, हम लोग भी अपने सफर में चलते हुए, भाई भी अपना खुश है बहुत। ट्रेन ऑलमोस्ट सभी खाली है बिल्कुल। पूरी खाली। फाइनली हम लोग न्यू दिल्ली स्टेशन आ गए हैं एंड बहुत रश है यार यहाँ पे। देखो हर जगह रश ही रश है बेचारे, इसकी तो हालत ही खराब हो गई है। कह रहा है इससे अच्छा है बस से आ जाता, कह रहा कि अगर मेरे घर के पास फ्लाइट होती। ये विशाल भाई, बिल्कुल सही बात। विशाल भाई तो ऐसे लग रहे कि जैसे कैला देवी के परिक्रमा में नहीं जाते हैं, ऐसी हालत हो गई हो। क्यों? टाइम हो गया 10:22, ट्रेन अपने टाइम पे पहुंच गई है। सो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने काम से, ये लोग निकल जाएंगे गुड़गांव, मैं चला जाऊंगा एरो सिटी। तो गाइस कुछ खाया नहीं है हम लोगों ने,
अब जाके कुछ खा लेते हैं, फिर उसके बाद पहुंचते हैं अपनी अपनी जगह पे। मिलता हूँ फिर आपको थोड़ी देर में। गाइस अभी बाहर आके देखा तो बिल्कुल ही चेंज हो गया, ये एक नया कॉरिडोर बन गया है यहाँ का, जो प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होता है और सीधा बाहर एग्जिट होता है। एंड यहाँ पे पहले फूड कोर्ट नहीं था, फूड कोर्ट भी पूरा रेडी हो चुका है। सो कभी भी आपको आना हो तो आप यहाँ पे फूड कोर्ट में आ सकते हो, और ये भोजनालय तो पहले से ही था यहाँ पे। बस ये दिल्ली की वही गर्मी, वही रश, वही चाचा पीपी, वही एक दूसरे को ढूंढते हुए, ज्यादा भाई ढूंढ रहा है अपना मंजिल, हाँ मंजिल देख रहे हैं। तो अभी हम लोग हैं न्यू दिल्ली स्टेशन में, मुझे जाना है एरोसिटी, इन लोगों को जाना है गुड़गांव। तो थोड़े से ये लोग नए हैं तो इन लोगों को गाइड करके, कार्ड प्रोवाइड करा के और इनको ड्रॉप करके देन में वापस अपने डेस्टिनेशन पे जाऊंगा। फाइनली दोबारा से हम आ चुके हैं निजामुद्दीन स्टेशन। एंड सुबह सर मैंने कुछ खाया नहीं है, तो यार मैं देखता हूँ कि यहाँ पे क्या खाने को मिल जाएगा। वैसे मैं हमेशा इसी ढाबे पे आता हूँ, साई ढाबा पे, अच्छा है सबसे एंड रीजनेबल प्राइस में है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि कभी भी आप आए तो इस वाले ढाबे पे जरूर आए। गाइस मैंने अपने लिए ऑर्डर किया है पालक पनीर एंड बटर रोटी, जो कि है तवा, भी तवा ही सूट करती है मेरे को, हालांकि हमेशा मुझे अच्छा लगता है। डोर्स भी ओपन अभी नहीं है। हाँ ठीक है, बेचारे भैया भी धूप में लगे हुए हैं यार। अभी भैया बता दो फिर गेट क्यों नहीं खुला है, वैसे क्लीनिंग चल रही है अभी। ओके ओके, चलो यार ये सब मेहनत से काम कर रहे हैं, अप्रिशिएट करते हैं इनके काम को। तो यार अभी वेट करने के लिए बोला है थोड़ी देर, तो थोड़ी देर बाद अभी अंदर जाएंगे। सो गाइस दरवाजा फाइनली खुल चुका है एंड मैं आ गया हूँ अपनी सीट पे, एंड सीट का नंबर है मेरा 47। एंड आफ्टर कोविड अब कर्टेंस भी शुरू हो गए हैं, देख सकते हो आप, जैसे यहाँ भी कर्टेंस हैं, इधर भी कर्टेंस हैं, ब्लैंकेट्स एंड पिलो सब चीज दोबारा से शुरू हो गई है। तो गाइस अब मैं घर आ चुका हूँ, घर क्या मतलब स्टेशन आ गया हूँ, आने वाला है बिल्कुल। गाइस प्लेटफॉर्म पे उतर गया हूँ मैं, बस थोड़ी देर में स्टेशन से बाहर निकलने वाला हूँ, फिर गाड़ी पार्किंग में ही खड़ी है, मैं उसके लिए घर के लिए निकलता हूँ। मैं आपसे घर पहुँच के मिलता हूँ।